क्लास सिक्स पाठ 12 गणित तीन संख्याओं का लसप और मसप। इस वीडियो में हम तीन संख्याओं का लसप और मसप निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम जान जाते हैं कि लसप और मसप क्या है। आप पांचवी कक्षा में या इससे पहले कक्षा में सीख चुके हो पहले से, हम केवल एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। हमें सीखना है लसप और मसप क्या है। तो उससे पहले हम जान जाते हैं अपवर्तक और अपवर्त क्या होता है। अपवर्तक किसे कहते हैं, तो किसी संख्या को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है उसे हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तक। और अपवर्त क्या होता है, किसी संख्या के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्त। अब चलिए एक सा एग्जाम्पल लेके इसको अच्छी तरह समझ जाते हैं। मान लो आपको संख्या दिया हुआ है 8 और एक संख्या दिया हुआ है 2। बोला है कि 8 का अपवर्तक निकालो, तो 8 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 8 किसी किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है। तो 8 के अपवर्तक क्या हो गए, 1, 2, 4 और 8। उसी तरह अगर 2 का बोला अपवर्त्य निकालने के लिए, तो अपवर्त्य कैसे निकालेंगे, 2 के पहाड़े में क्या क्या आता है, तो अपवर्त्य क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। आप लोग अपवर्त्य अपवर्त्य समझ गए। अब हम समझते हैं कि समापवर्तक और समापवर्त्य क्या होता है। समापवर्तक और समापवर्त्य के बारे में जानते हैं। यदि पहले तो एक संख्या दिया हुआ है तो उसका हम अपवर्त्य और समापवर्त्य निकालना सीखे। अब समापवर्तक के बारे में जानते हैं। मान लो आपको दो संख्या दिया हुआ है 4 और 8। समापवर्तक निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, समापवर्त्य निकालने के लिए अपवर्तक। ठीक है, समान अपवर्तक। समापवर्तक मतलब क्या होता है, समान अपवर्तक। 4 का अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, पहले उसको लिख देते हैं। 4 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 4 और 8 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। अब बारी आया समापवर्तक का, तो समापवर्तक क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में जो जो संख्या समान है उसे हम समापवर्तक कहेंगे। तो समापवर्तक क्या क्या आएगा, 1, 2, 4, इसमें भी है 1, 2, 4, तो समापवर्तक हो जाएगा 1, 2, 4। उसी तरह अगर समापवर्त्य के बारे में पढ़े समझे, तो जैसे अगर दो संख्या दिया हुआ है 2 और 4, तो समापवर्त्य मतलब पहले उसका अपवर्त्य निकालना पड़ेगा। तो 2 का अपवर्त्य यानी 2 का पहाड़ा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12, इस तरह कंटिन्यू चलता जाएगा। और 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 छक्के 16, 4 पाँच 20, इस तरह ये चलता जाएगा। अब बोला है समापवर्तक, तो सीख गए समापवर्त्य के बारे में। इतने समापवर्त्य, समापवर्त्य क्या हो जाएगा, इन दोनों के अपवर्त्यों में कौन कौन सी संख्या समान है। तो पहला देखो 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो 4 लिख दिए, फिर 8 है, फिर 12 है, इस तरह आएगा। तो समापवर्त्य समझ में आ गया, समापवर्तक समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं लसप और मसप क्या होता है, उसको फुल फॉर्म में पहले अगर लिख दे तो आप इसे समझ पाएंगे। तो पहले लसप और मसप का पूरा नाम लिख देते हैं। तो लसप का पूरा नाम होता है लघुतम समापवर्त्य और मसप का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग अभी तक समापवर्तक और समापवर्त्य निकालना सीख चुके हैं, मतलब रिवाइज कर चुके हैं। तो अच्छा, आप सिंपल से बात पूछिए अगर आपसे कि 4 और 8 का समापवर्तक में से मसप यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4। महत्तम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो 8 और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 4। तो यह लिख सकते हैं मसप बराबर 4। और उसी तरह अगर आपको बोलेगा लसप लघुतम समापवर्तक,
दो और चार का समापवर्त्य, दो और चार का बताओ, तो आप सिंपली बता सकते हो कि एक तो समापवर्त्य है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? चार, तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, यानी कि लसप हो जाएगा चार। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि लसप और मसप क्या है, अपवर्तक क्या है, किसी संख्या अपवर्तक क्या है, किसी भी संख्या को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है, सभी विभाजित करने वाले संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। अपवर्त क्या होता है? किसी संख्या के पहाड़ा में कौन कौन सी संख्याएं आती है, वह सारी संख्याएं उस संख्या का अपवर्त्य है। फिर हमने अपवर्त्य अपवर्तक का एग्जाम्पल देखा। फिर समापवर्तक और समापवर्त्य क्या होता है उसको सीखा, और फाइनली हमने लसप और मसप का पूरा नाम और लसप मसप कैसे ज्ञात होता है वह सीखा। अगले वीडियो में हम लसप और मसप निकालने के विधियों के बारे में सीखेंगे। हमारे चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक साइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके इस पाठ के सभी वीडियो का, सवालों का, सभी प्रकार के सवालों का हल देख सकते हैं। सवाल संबंधित या लसप और मसप संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।